उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने के बाद जिला अस्पताल के एक वार्ड बॉय की मौत होने से खलबली मच गई। परिजनों का आरोप है कि कोविड वैक्सीन लगने के बाद महिपाल की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद रविवार की शाम मौत हो गई। आपको बता दें कि 16 जनवरी को पूरे भारत में कोविड वैक्सीन का टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। मुरादाबाद जिला अस्पताल में भी स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया था और जिला अस्पताल में वार्ड बॉय पद पर तैनात महिपाल सिंह ने भी 16 जनवरी को कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया था, जिसके बाद बेटे को अस्पताल बुलाकर वो घर वापस आ गए। वहीं इसके बाद 16 जनवरी की ही रात को इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी भी की गई थी। 17 जनवरी रविवार को ड्यूटी से घर वापस आने के बाद अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद महिपाल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से ही महिपाल की हालत बिगड़ी और मौत हो गई। इस पर मृतक महिपाल के बेटे विशाल ने बताया कि जब पिता सुबह 17 जनवरी को ड्यूटी से वापस घर आए थे तो उनकी तबीयत खराब थी, जिसके बाद परिजन पीड़ित को जिला अस्पताल ले गए थे, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मेरे पास 12:30 के करीब फोन आया था पिताजी का, बेटा कहां हो आप? मैंने कहा पिताजी मैं थोड़ा काम से हूं, आप बताइए। कह रहा बेटा अपनी गाड़ी ना लेकर आप ऑटो पकड़ के जिला अस्पताल आ जाइए। मैंने कहा बात बताइए आप क्या बात है। कह रहा बेटा मेरे को वैक्सीनेशन होगा आज कोरोना का, उससे गाड़ी नहीं चलेगी, आप आ जाओ। मैं यहाँ से तुरंत ऑटो लेकर सिविल लाइन पहुँचा कल। जी हाँ, दोपहर के समय। ओके। वहाँ से करीबन 1:30 बजे पापा जी बाहर से आए, जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा था, उनको और मैं अपने साथ में बैठा कर घर लाया। किस तरह हालत में थे? हालत पापा जी की सांस फूल रही थी और वो फंस रहे थे। वहीं जिला अस्पताल के वार्ड बॉय महिपाल सिंह की मौत के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी MC गर्ग भी मृतक वार्ड बॉय महिपाल के घर पहुंच गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक महिपाल सिंह जिला चिकित्सालय में वार्ड बॉय के पद पर तैनात थे, जिनकी मृत्यु शाम 6 बजे हो गई। मृतक को दोपहर में सीने में दर्द और सांस फूलने में दिक्कत हुई थी, उसके बाद उन्हें जिला चिकित्सालय में मृत अवस्था में ले जाया गया था। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने के बाद हुई वार्ड बॉय की मौत के मामले में सोमवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि वार्ड बॉय की मौत कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभाव से नहीं बल्कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर उपजी भ्रम की स्थिति दूर हुई, वहीं दूसरी तरफ देश भर के डॉक्टर और सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ गया है। कोरोना वैक्सीन दी गई थी। कितने बजे सर? ये दिन में करीब 12 बजे। ओके। आज क्या हुआ इनके साथ? आज इनको दिन में सीने में जकड़न और सांस फूलने की तकलीफ हुई। क्या स्पेशल डेस्क जनमत न्यूज़।